अध्यापक संघ द्वारा आज किया गया धरना प्रदर्शन। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से आजाद अध्यापक संघ द्वारा कहा गया कि शासन ने जो उनकी मांगे सातवें वेतनमान की मानी थी उसका लाभ शिक्षकों को इसी माह से दिया जाए, साथ ही जो पूर्व मांगे हैं उनकी भी सुनवाई भी की जाए। भारत माता की, भारत माता की, अध्यापक एकता, अध्यापक एकता। आज जैसे कि हमारे राज्य शिक्षा अध्यापक संवर्ग से राज्य शिक्षा संवर्ग में प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक के आदेश हो गए हैं, जिसमें कि शासन ने हमें सातवां वेतनमान और अन्य कर्मचारियों को समान सुविधाएं देने का वादा किया था और आदेश भी हुआ है। तो हम यहाँ से इस मंच से ये निवेदन करना चाहेंगे कि हमारा जो सातवां वेतनमान और अन्य कर्मचारियों की समान सुविधाएं हैं वो इसी महीने भुगतान की जाएं। हमें जब सातवां वेतनमान और अन्य सुविधाओं के साथ वेतनमान इसी महीने भुगतान किए जाएं। इसके साथ गुना जिले में जैसे कि 2006 में नियुक्त अध्यापक शिक्षक संवर्ग के क्रम जिन्हें 12 वर्ष हो गए हैं उनकी क्रमोन्नति के आदेश जारी किए जाएँ और गुरु जी जो कि 21 साल से सेवा दे रहे हैं उनको प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जाए और वरिष्ठ अध्यापक की पदोन्नति के नियम बनाए जाएं। और हमें जो 1994 का शिक्षा विभाग है जो माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में लिया है वो हमें शीघ्र दिया जाए, इसी के तारतम्य में आज बैठक रखी गई, जिसमें बैठक में हमारे साथी भाई धर्मेंद्र रघुवंशी जी और अन्य साथियों के द्वारा जो प्रतिमाह वेतन में बढ़ोतरी है उसकी गणना बताई गई सभी को, जिसका संघ का समाधान किया गया, जिसको जो भी शंकाएँ थी तो उसमें लगभग 4000 से लेके 8000 रुपये प्रतिमा वृद्धि होगी जो हमारे साथी हैं प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक के, इसी हिसाब से वेतन की गणना की गई और ये बैठक इसी कार्यक्रम में आज इस तारतम्य में रखी गई थी।